बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। और ये सारे का सारा चैप्टर मौजू है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करके उनके आंसर निकालना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक वो इसके वेरिएबल की सबसे बड़ी जो कीमत पावर हो सकती है वो स्क्वायर हो सकती है। अच्छा, तो उसके बाद फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। ये जो सवाल आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 2x4 - 11x2 + 5, ये असल में ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसका नाम जो है ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 8th क्लास में इसका तस्करा है बाई क्वाड्रेटिक का। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और इसका आदि बनाने के लिए वही 2 11 और 5 लिख के मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है एक्स स्क्वायर माइनस 11x एक्स 4, वही इक्वेशन दोबारा लिख दिया एक्स 4 और माइनस 11x स्क्वायर 6 के साथ 3 लिख दिया। तो इस पे एक बात काबिल गौर है कि ये जो पावर है ना, इसकी पावर ये निसफ होनी चाहिए। ये 4 है तो इधर 2 है, ये 6 है तो 3। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं इट इज़ क्वाड्रेटिक इन एक्स, इट इज़ क्वाड्रेटिक इन एक्स, इट इज़ आल्सो क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर, जिसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बोला था, इट इज़ क्वाड्रेटिक इन एक्स स्क्वायर। और इस तरफ आ जाए इट इज़ क्वाड्रेटिक इन एक्स क्यूब। तो बहरहाल अब ये सवाल करते हैं, हम डायरेक्ट इसके पेयर बना के भी इसको हल कर सकते हैं। और जो बहरहाल जो तरीकाकार है इस एक्सरसाइज का कि इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल है स्टैंडर्ड है उस फॉर्म में चेंज करेंगे और उसको हल करेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लेट वाई इज इक्वल टू एक्स के छोटी पावर को ना, एक्स 4 है और एक्स स्क्वायर है छोटी पावर को, वाई सपोज कर लें। अब स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो ये वाई स्केयर लेंगे वाई स्केयर और ये आ गया एक्स 4, इसका स्केयर लेंगे 4। अब 10 गिवन इक्वेशन बिकम्स, ये जो इक्वेशन है आपकी यहाँ पे 2 और 4 की जगह, इसकी पावर 4 की जगह वाई स्केयर माइनस 11 वाई और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप बन गई, हम इसके पेयर बनाएंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, 10 और 11 में एक का डिफरेंस है सिर्फ, तो 2y स्क्वायर माइनस 10y और माइनस का 1y, ये इसके पेयर बन गया। आपस में जमा होते हैं तो माइनस का 11 मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लें 2y, y माइनस 5 बच गया, यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं है। और इसका एचसीएफ जो हम कॉमन लेते हैं वो असल में इन दोनों का एचसीएफ होता है माइनस 1 वाई माइनस 5, और वाई माइनस 5 फिर कॉमन ले लें, बाकी बच गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वाई माइनस 5 को भी 0 के बराबर रख लें और दूसरा 2y माइनस 1 को भी 0 के बराबर, y की कीमत 5 और ये प्लस का 1 हो गया उधर जाके और 2 मल्टीप्लाई होता है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y की दो कीमतें आ गई, एक 5 और एक 1/2 हाफ। लेकिन हमारा जो सवाल है उसके अंदर x मौजूद है, y तो है ही नहीं है, y कहाँ से आया हमने अपनी हेल्प के लिए, तो इसको हमने यहाँ से निकालना भी एलिमिनेट भी करना है। तो अब हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ये दोनों के लिए हमारे पास ये चलेगा, ये दोनों के लिए। इस y की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर 5 और उसके बाद इधर एक्स स्क्वायर और 1/2। हमने x की कीमत मालूम करनी है ना कि एक्स स्क्वायर की, तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, दोनों के लिए लिख देता हूँ। टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स, ये दोनों के लिए लिखा मैंने,
इधर ले एक्स स्क्वायर और 500 रूट, ये एस की कीमत प्लस माइनस 5, एक्स स्क्वायर जिसके स्क्वायर से कट गया 1/√2 प्लस माइनस के साथ। अब ये एस की दो वैल्यूज है, एस की तो कुल चार वैल्यू, देखिएगा सॉल्यूशन सेट इसका लिखेंगे, प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस का 1/√2। अच्छा एक बात यहाँ पे काफ़ी हो रहा है, इसकी पावर 4 थी, 4 पावर है, 4 आंसर, यहाँ पे मैं रूट डालना भूल गया, 4 आंसर, 2 और प्लस 2 4। इसके अंदर जो सवालात हैं ये मुख्तलिफ कैटेगरीज की हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने कर दिया, दूसरा बिल्कुल इसी तरीके से है, इस तरीके से तीसरा चौथा और पाँचवा ये सेम कैटेगरी का है, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, इसको करते हैं। इसको हमने जैसे जनरल या स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी शक्ल में लाना है। इसमें देखें ये पावर 2/3 है, 1/3, तो ये पावर सिंगल है, ये इसका डबल है। लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/3, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयर लेने से इधर y का स्केयर आ गया, इधर स्केयर लेंगे तो x की पावर 2/3। अब 10 इन तीन नुक्तों का मतलब होता है 10 THUS 10 गिवन इक्वेशन बिकम, तो इसकी जगह y स्क्वायर आ जाएगा प्लस 54 और इज इक्वल टू 15y, इसकी कीमत y स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तरतीब से, y स्क्वायर माइनस 15y, ये माइनस का इधर आ जाएगा और प्लस 54 इक्वल टू 0। अब हमने इसके पेयर बनाने, 54 है उसके पेयर बनाने के, प्लस माइनस करने से हमारे पास 15 आए, इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 2 द 4 और 7 द 3 9 द 3 3 द, तो आपके पास आ गया 2 3 3 3 टाइम 6 और 9 आपस में प्लस होते हैं, 15 मल्टीप्लाई होते हैं तो 54, ये हमारा पेयर बन गया 6 और 9 का। वाई स्क्वायर माइनस 9y, बड़े को पहले लिख ले, और माइनस 6y प्लस 54 इक्वल टू 0, y कॉमन ले लें, y माइनस 9, यहाँ से 6 कॉमन आएगा, 6y 54 को 6 से डिवाइड करेंगे 9, ये प्लस की लामत इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगी 9, ये दोनों सेम आ गए, ये तसल्ली होगी कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक है। y माइनस 9 कॉमन ले लें और y माइनस 6 इजिकल टू 0, इसके बाद y माइनस 9 को भी 0 के बराबर रख लें, y माइनस 6 को भी 0 के बराबर, y की कीमत 9 आ गई, y की कीमत 6 आ गई, ये y की दो कीमतें आ गई, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो x मौजूद है, ये y हमने अपनी हेल्प के लिए डाला ताकि इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सके दिखाने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमने कर लिया, अब इसको एलिमिनेट भी करना, निकालना भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे एलिमिनेट करने के लिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन बोथ के लिए, y की कीमत हमने ली थी, y की कीमत x की पावर 1/3 9 और इधर x की पावर 1/3 6, दोनों के लिए टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, ताकि ये 1/3 पावर ख़त्म हो जाए, इसका भी क्यूब ले ले, 9 का क्यूब ले ले, ये क्यूब क्यूब रूट से कट गया x, 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 9 9 9, ये तो 81 हो गया, इतना 9 1 द 9 और 9 8 द 72, 729,
अब ये सिक्स को थ्री टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स को थ्री टाइम, सिक्स 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 36 हो गया, इसे सिक्स से मल्टीप्लाई करें, 36 थ्री 18 216, एस की कीमत 216, ये एस की दो कीमतें आ गई, एस की कीमत इसे सॉल्यूशन सेट पे लिख देता हूँ, 729 और 216, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एक जैसे मैंने 4 कर दिया, 5 भी मैं इस सेंस में करने लगा हूँ, एस की पावर -1 है और -2 है, ये आपको कन्फ्यूज ना कर ले, हालांकि ये पिछले सवाल से ज़्यादा आसान है, ये भी कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो सिंगल पावर है 1 है और ये उसके डबल जो है 2, तो लेट क्या करेंगे, y इज एक्स की पावर -1 और टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो ये y स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 हो गया। अब ये दोनों कीमतें इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, गिवन इक्वेशन में 10 गिवन इक्वेशन बिकम्स, तो ये 3y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 8y, इसके या y, इसके या y स्क्वायर, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें या स्टैंडर्ड फॉर्म में, y स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका इंट्रोडक्शन हम पहले से करते आ रहे हैं 8 क्लास से, ये वो बन गई। अब इसको हल करना है, इसके पेयर बनाएंगे, 3 5 से रब खाता है तो 15 आता है, 15 आता है, जमा होता है तो -8, ये बना बनाया जोड़ा, 3y स्क्वायर माइनस 5 और 3, मैं यहाँ पे 3 भी ले सकता हूँ लेकिन 5 लिखूँगा, 5y माइनस 3y, क्योंकि मैंने एक पैटर्न, एक उसूल रखा हुआ है कि पहले बड़े को रखें, तो ये सवाल आगे पीछे करने से हल हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे जमा और माइनस का फ़र्क होता है वहाँ पे गलती के चांसेस होते हैं, तो इसलिए बड़े को पहले रख लें, -5 और -3 ऐड होंगे तो -8 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन लें ओनली y, 3y माइनस 5, यहाँ से कॉमन लें, कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 जिसमें कॉमन ना हो उसका HCF 1 होता है, तो यहाँ पे आपके पास 3y, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, 5 इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 5 और y माइनस 1, 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को बारी बारी 0 रख दिया, ये तो जाके 5 हो गया, ये तो जाके 1, और y की कीमत ये डिवाइड होगा 5/3। अब इन दोनों में y की कीमतें आएंगी, जो हमारा सवाल है उसमें तो x है, फिर वही इशू यहाँ पे कि हमने ये y को हेल्प के लिए बीच में डाला था, अब इसे एलिमिनेट करेंगे, निकाल लेंगे इसको बाहर, तो इसकी वैल्यू दोबारा पुट कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, देखिए y लिखा हुआ है, इसकी ताकत -1, y की कीमत क्या था, x की पावर -1 और 5/3, और इसकी जगह इसकी पावर -1 है, प्लस करेंगे तो 1 ओवर x हो जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल लें, दर्बी मकूस बोलते हैं, उल्टा दे इसको, उल्टाएंगे तो x ओवर 1 और ये उलट जाएगा 3/5, इस 1 की कोई वैल्यू नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, लिखें तो तब भी ठीक है, आमतौर पर नहीं लिखा जाता, ये भी 1 ओवर x हो जाएगा, इसके नीचे 1 होता है, उल्टाओगे तो 1 ओवर 1, यानी ये भी 1 ही आएगा आपके पास। चलिए इसका रेसिप्रोकल ले लें, x ओवर 1 और 1 ओवर 1, 1 ही आएगा, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा उसमें दो कीमतें आ गई, 3/5 और 1, ये जी आपके क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन सेट। अब ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 सेम टाइप का था, 3, 4, 5 सेम टाइप का था, अब 6, 7, 8, 9 ये एक कैटेगरी की है, 6 से लेके 9 तक, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप गौर से देखें, ये फ्रैक्शन लिखा हुआ और दूसरी फ्रैक्शन इसका रेसिप्रोकल नजर आ रहा है, उल्टा के वही फ्रैक्शन दोबारा लिखी हुई है,
देखें, लेट किसी एक को, इसको y कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, 4x माइनस 1, देन 1 ओवर y आपके पास हो जाएगा 4x माइनस 1, इसका रेसिप्रोकल ले ले, ओवर 4x प्लस 1, दस गिवन इक्वेशन बिकम्स, यहाँ के पास जो गिवन इक्वेशन है इसकी जगह y आएगा, इसकी जगह 1/y आएगा और आगे फ्रैक्शन है y प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू, इसको पढ़ने का तरीका है 2 होल नंबर 1 ओवर 6, उर्दू में पढ़ते हैं 2 सही 1/6, 2 होल नंबर, तो इनकी सहियाँ ख़त्म करते हैं या होल नंबर ख़त्म करते हैं, उसका तरीका होगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13, 13 बाई 6 हमने इसकी सहियाँ या होल नंबर ख़त्म कर दी हैं। इसके बाद एक कैल्शियम लेते हैं y, क्योंकि इसके नीचे 1 है, मल्टीप्लाई करके कैल्शियम लिया, y इससे मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वेयर, 1 इससे तो 1, 13 ओवर 6, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 इससे मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 6 वाई स्क्वेयर प्लस 6 इससे, और 13 वाई से मल्टीप्लाई होगा 13 वाई, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें 6 वाई स्क्वेयर माइनस 13 वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसके पेयर बनाते हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36, और 9 और 4 का पेयर बन सकता है यहाँ पे 6 वाई स्क्वेयर माइनस 9 वाई माइनस 4 वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस का 13 और इन दोनों को 9 माइनस के और माइनस इनको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का 36, तो ये हमारे पेयर बन गए, इसमें से कॉमन लें दोनों में से, इसमें से 3 कॉमन है और y 2y माइनस 3 बच गया, जब कॉमन ले रहे होते हैं जिस चीज़ को कॉमन लिया है वो आपका असल में HCF होता है, उस अंदर वाली रकम को डिवाइड करते हैं, जो बचता है वो लिख देते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन है यानी कि HCF इसका 2 है और डिवाइड 2 से करेंगे तो 2y और ये माइनस कॉमन ले रहे थे माइनस का 3, अच्छा ये दोनों सेम आ गए तो हमारी तसल्ली होगी कि हमारी फैक्टराइजेशन का अमल जो है वो ठीक हो गया, इनको कॉमन लें दोबारा 2y माइनस 3 और बाकी बच गया 3y माइनस 2, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाके 3 हो गया और y की कीमत 3/2, ये उधर जाके 2 हो गया तो ये y की दो कीमतें आ गई, अच्छा जबकि हमें सवाल में x दिया हुआ, हमने y क्यों लिया था, हमने हेल्प के लिए किया था कि हम इसे इस इक्वेशन को रिड्यूस कर सकें, चेंज कर सकें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसकी शक्ल बदल सकें, जो हमने किया, अब हमने इसको एलिमिनेट करना है तो इसके लिए हम दोनों के लिए लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y, y की कीमत दोबारा पुट कर दें, y की कीमत हमारे पास है 4x प्लस 1, 4x माइनस 1 और 3/2, और इधर भी लिखते हैं 4x प्लस 1, 4x माइनस 1, 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इसको तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 3 12 से इससे मल्टीप्लाई होगा 12, इसको पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मेरी मर्ज़ी, मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर दूँ या इसको कर दूँ, बहरहाल मैं बड़े को पकड़ रहा हूँ, ये 3 12 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12x माइनस 3, 2 इससे 8x प्लस 2,
अच्छा, 8x छोटा है, 12x बड़ा है, तो 12x माइनस 8x, 8x को इस तरफ ले जाएं, माइनस का 3 है, माइनस के 3 को उस तरफ ले जाएं, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, 4x, माइनस करने के बाद 4x, 5, और x की कीमत 5/4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं आप, तो ये 3 को पहले मल्टीप्लाई, ताकि 12 मेरा इस साइड पर आ जाए, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 12x प्लस 3, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 8x माइनस 2, उसके बाद 12 बड़ा है, 8 छोटा है, इसे उठा के सिर्फ ले आए, 12x माइनस 8x, ये 3 सब जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ये रह गया आपके पास 4x और ये माइनस का 5, एस की कीमत माइनस 5/4, एस की दो कीमतें हमारे पास आ गई। अब हम सोल्यूशन से लिखने जा रहे हैं, 5/4 और माइनस 5/4, ये जी इसका 8 क्वेश्चन भी हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे करेंगे, और ये जो सवाल बीच में छोड़े हैं मैंने, वो आसानी से आप हल कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।